नमस्कार दोस्तों, आज हम एक केस के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसमें जो मिल्क होता है वो गुलाबी कलर का या लाल कलर का आता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि दूध में खून आता है। ये देखिए, अभी ओनर आपको दिखाएगा, बिल्कुल एकदम लाल कलर का इसका जो दूध निकल रहा है, ये देखें, इसमें कुछ क्लॉट पड़े हुए हैं खून के और कुछ मिक्स खून के साथ में दूध है ना। ये क्या कारण होता है इसका, किस वजह से ऐसा जो मिल्क आता है खून की तरह, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कारण है वो होता है टीट इंजरी का, और दूसरा जो कारण होता है वो हो सकता है या तो कैल्शियम डेफिशिएंसी या विटामिन सी डेफिशिएंसी, और एक सबसे जो महत्वपूर्ण मैस्टाइटिस बीमारी रहती है वो जनरली जिसमें खून आता है वो लेप्टोस्पायरोसिस में देखने को मिलती है। तो इन सभी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम ओनर से हिस्ट्री लेंगे कि इसकी क्या जो मेन वजह है वो हो सकती है, और उसी के बेसिस पे हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। हमने जो इसका उपचार किया है उसमें हमने लेप्टोस्पायरोसिस को ध्यान में रखते हुए इसका ट्रीटमेंट किया है, क्योंकि जो भी हिस्ट्री थी उसमें ऐसी कोई टीट इंजरी वगैरह नहीं मिल रही थी। उसमें सारे एस्पेक्ट हमने कवर किए, फिर भी इसको हमने CBG एक बोतल IV इसमें दी है, और विटामिन सी का इंजेक्शन भी यूज किया इसमें, और मैग्लूडाइन एंड एंटीबायोटिक के तौर पे हमने स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन 5 ग्राम और टैक्साब्लीड इंजेक्शन जो ट्रेनेक्जिमिक एसिड रहता है उसका यूज किया गया। देखते हैं इसमें कैसा रिजल्ट मिलता है, आगे मैं बताऊंगा इसका क्या रिजल्ट रहा। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं ऐसे केस में जनरली, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या हो सकता है, ये ट्रीट होता है कि नहीं होता है। अभी इसका हम जो फॉलोअप केस जो रहेगा वो ज़रूर आपके लिए लेके आएंगे कि इस भैंस का क्या हुआ। एंड आप लोगों से हर बार की तरह इस बार भी निवेदन है कि चैनल को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।